हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश बेक। हम फिश को फ्राई नहीं करेंगे, आज हम बेक करेंगे। तो चलो देखते हैं इसे किस तरह से बेक किया जाता है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 किलो शेरी फिश ली है। फिश आपके पास में जो भी है आप इसे ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसे कट लगाया है और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें इसे अच्छे से ड्राई कर लेना है। फिश ड्राई करनी बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से, और मिक्स करने के बाद हम इसे हमारे फिश के ऊपर हम इसे अप्लाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने फिश के ऊपर इसके अच्छे से कोटिंग करनी है दोनों तरफ से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने रखेंगे। यहाँ पे हमने मिक्सी जार लिया है, 10 से 15 हमने लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक हमने लिया है, 2 टेबलस्पून भर के धनिया के सीड्स लिए हैं, 1 टीस्पून भर के जीरा लिया है, 1 टीस्पून भर के काली मिर्च लिए है, 3 हमने हरी मिर्च लिए है। हरी मिर्च आप आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के हमने कसूरी मेथी लिए है, 2 टेबलस्पून भर के हमने लेमन जूस लिया है। स्वादानुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हमने इसके पेस्ट बनानी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे ज़्यादा फाइन नहीं बनाया है, हमने दड़ा दड़ा सा ही बनाना है। अब हम इसे एक बाउल में ऐड करेंगे और इसमें हम तंदूरी मसाला ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के। यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबलस्पून भर के हमने बटर ऐड करना है। ये देखिए, इस तरह से बटर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये बन चुका है। हमने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे लेनी है, इसमें हमने एक फॉइल पेपर लगाना है। इस तरह से फिश को मैरिनेट होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बेकिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे और जो हमने मसाला बनाया है उसके हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। पहले तो हम बाहर की तरफ से करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इस तरफ भी हम करेंगे। अब हमने जो हिस्सा हमने कट किया है वहाँ पे भी हम इसके अच्छे से मसालों की कोटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम इसके ऊपर लेमन रखेंगे। लेमन हमने स्लाइस करके रखनी है। हरी मिर्च आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसे बेक करना है तकरीबन 350 और 450 प्री हीट पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, यह हमारी फिश बेक हो चुकी है। जब आप फिश बेक करोगे तब आप इसे बीच में एक दो बार चेक कर सकते हैं। ये देखिए, फिश बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।